नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में जल्दी से न्याय भी होता है और योगी आदित्यनाथ भारत के सबसे टॉप पर आने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो अपने काम से सबसे नंबर वन पर कहे जा रहे हैं, क्योंकि इस महामारी में कानून व्यवस्था को कैसे नियंत्रित रखना है वो सब योगी आदित्यनाथ को बखूबी तरह आता है। लेकिन लॉकडाउन में एक शख्स ने योगी आदित्यनाथ को ऐसी बातें बोल दी जिसे सुनकर आप ये कहेंगे कि ये टोपी छाप कभी भी नहीं सुधरेंगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ था, उसी वक्त नमाज को लेकर तानवीर खान ने योगी आदित्यनाथ को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया था कि दिलदार नगर में नमाज को लेकर दिक्कत आ रही है, योगी आदित्यनाथ को गोली मार दो साले को। इतना आपत्तिजनक बात शायद ही ऐसा कोई कर सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तानवीर खान ASI की पोस्ट पर है। और जहां लॉकडाउन में रमजान के पवित्र महीने में सार्वजनिक नमाज पर रोक लगाई गई है, तो वहीं ये तानवीर खान सार्वजनिक नमाज के लिए उतावला हो रहा था और उसी उतावले में आज उसकी हेकड़ी ही निकल गई। जी हाँ, इससे सिद्ध हो गया कि योगी के राज में कानून से खिलवाड़ करना कितना महंगा पड़ सकता है। अब तानवीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो बिहार के नालंदा का रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही यूपी पुलिस को इस बात की शिकायत मिली तो पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। यूपी पुलिस ने ASI तानवीर खान के फेसबुक पोस्ट की पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन तानवीर खान खुद को स्मार्ट समझकर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। लेकिन वो इस बात से बेपरवाह था कि योगी की सरकार में कानून से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाता है। ठीक वैसा ही हुआ तानवीर के साथ। यूपी पुलिस की पड़ताल में तानवीर सिंह का पोस्ट गाजीपुर से निकला। फिर क्या, आरोपी तानवीर खान की तलाश में यूपी पुलिस नालंदा पहुंची और स्थानीय पुलिस की सहयोग से उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उस पर धराए लगाकर तानवीर खान को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस पहले से ही लोगों को ये आगाह करती आ रही है कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि ASI तानवीर खान के साथ हुआ है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।